मजा का कार साल 2024। गाजा युद्ध को लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसराइल की IDF गाजा से हमास लड़ाकों का सफाया नहीं कर पाई है। हालांकि पिछले 36 घंटों में इजरायली सेना ने हमास के लड़ाकों के साथ साथ 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है। हैरानी की बात तो यह है कि इजरायली सेना पर पिछले 2 हफ्तों से अचानक हमास के लड़ाकों ने उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2023 को हमास की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को देखिए, जिसमें हमास के लड़ाके इजरायल के टैंक बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं। हेलमेट पहन रहे हैं टैंक, टैंकों का कब्रिस्तान गाजा, हमास का टैंकों पर हमला। 31 दिसंबर 2023 को हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखें, जिसमें हमास लड़ाके बेहद करीब से इजरायली टैंक के ऊपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे हैं। हमास का दावा है कि यह हमला इजरायली टैंकों पर दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में किया गया है। हमास का दावा है कि यह हमला 30 दिसंबर 2023 को इजरायली टैंकों पर हुआ है। इसराइल के टैंकों पर चुन चुन कर हमले हो रहे हैं, क्योंकि इसराइल का मरकावा टैंक हमास और गाजा का काल बन चुका है। इसराइल इन्हीं टैंकों से अब तक 800 से ज्यादा सुरंगें तबाह करने में मदद कर चुका है। यही वजह है कि अब हमास इसराइल के टैंकों पर बेहद पास से हमले कर रहा है। कई बार तो मुश्किल से 20 से 25 फीट की दूरी से हमास हमले कर रहा है। हमास के रॉकेट इजरायली टैंकों के हैच वाले यानी ऊपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से टैंक बर्बाद हो रहे हैं। अब हमास की तरफ से जारी ये वीडियो देखिए, जिसमें हमास के लड़ाके गाजा में कब्रिस्तान बन चुके इमारतों के पीछे से इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कई इजरायली सैनिकों की भी मौत हुई है। इसी तरह से हमास ने 28 दिसंबर 2023 को इजरायली सेना पर मध्य गाजा में ब्यूरिस शरणार्थी शिविर इलाके में इजरायली सेना पर हमला किया है। टैंक और पैदल सेना पर हमास इसी तरह से हमला कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में अभी भी इतनी ज्यादा सुरंगें बची हैं, जहां से अचानक हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं। इसी तरह से हमास के लड़ाकों ने 27 दिसंबर 2023 को एक ही हमले में 12 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया है। हमास का ये वीडियो किस जगह का है ये तो नहीं पता, लेकिन वीडियो में इजरायली सेना पर हमास के लड़ाकों के हमले साफ देखे जा सकते हैं। यही वजह है कि इजरायली सेना के मरकावा टैंक के ऊपर शील्ड लगाई जा रही है, ताकि टैंकों को तबाह होने से बचाया जा सके। इजरायल की मौत बना हमास का सुरंग युद्ध। अब तक इसराइल के 480 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हमास की वो सुरंगें हैं जो अभी तक इसराइल तबाह नहीं कर पाया है। हालांकि नेतन्याहू पिछले हफ्ते गाजा पहुंच गए थे और उन्होंने इजरायली सेना के कमांडर्स और सैनिकों के बीच काफी वक्त बिताया। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अब किसी भी कीमत पर गाजा युद्ध नहीं रुकेगा, चाहे भले ही गाजा युद्ध लंबा चले। अगर हम गाजा में फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों पर नजर डालें तो तस्वीरों और आंकड़ों से बिल्कुल साफ हो जाता है कि इसराइल ने गाजा को पूरी तरह से कब्रिस्तान बना दिया है। गाजा में 70% से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी है। 19 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी बन चुके हैं।
भूख, प्यास, बीमारी और बमों के हमलों ने गाजा में फिलिस्तीनियों को साक्षात नरक में पहुंचा दिया है। जरा ये आंकड़े देखिए, 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में इजरायली सेना ने 22,000 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसकी वजह से गाजा की 70% इमारतें खंडहर हो चुकी हैं। यूएन के आंकड़ों के मुताबिक पूरे गाजा पट्टी में 3,55,000 से ज्यादा इमारतें तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं, जिसमें कोई रह नहीं सकता है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज की 370 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से इजरायली हमलों में जमीन में दफन हो चुकी हैं, जो इजरायल के खौफनाक हमलों का जिंदा सबूत है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं, जिसकी वजह से 230 से ज्यादा मस्जिदें और पूजा घर गाजा पट्टी में तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। गाजा में सबसे भीषण और दर्दनाक हमले इजरायल ने अस्पतालों पर भी किए हैं, क्योंकि इन्हीं अस्पतालों के नीचे हमास की दर्जनों सुरंगें, हमास का हेडक्वार्टर और अड्डे बने हुए थे। हमास इन्हीं अस्पतालों की आड़ में इजरायली सेना पर हमला कर रहा था। इजरायल ने ऐसे 36 में से 26 अस्पतालों को जबरदस्त बमबारी में दबा कर डाला है। गाजा में रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। 20 से 23 लाख लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इजरायली सेना ने 11 बड़ी बेकरी तबाह कर डाली है। पूरे गाजा में 17 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थी बन चुके हैं। हालात ये है कि उत्तरी गाजा की 90% जनता भाग गई है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 21,822 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जो साबित करता है कि हमास को इजरायल पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इजरायल के हमलों में मारे गए कुल फिलिस्तीनियों में से 47% मरने वाले बच्चे ही हैं। इन्हीं हालातों को देखकर हमास, हिजबुल्ला और ईरान अब इजरायल से आर पार की जंग का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू ने साफ चेतावनी दे दी है कि कोई जिंदा नहीं बचेगा। לוחמים על הקרקע, לפעמים גם מתחת לקרקע, ויש לנו עיניים בשמיים. אנחנו אומרים למחבלי החמאס, אנחנו רואים אתכם ואנחנו נגיע אליכם. אנחנו ממשיכים במלחמה, מעמיקים את הלחימה. בדרום הרצועה ובמקומות אחרים, אנחנו נלחמים עד הסוף ובעזרת הטכנולוגיה המתקדמת ביותר. उत्तरी गाजा पर इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हजारों बम गिराना शुरू कर दिया। इजरायल की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग ने देखते ही देखते उत्तरी गाजा में इमारतों को जमीन में दफन कर दिया। यहां तक कि उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने मरकावा टैंक से हमले शुरू कर दिए। इजरायली डिफेंस फोर्स की रीढ़ मरकावा टैंक पर हमास के लड़ाकों ने भी जबरदस्त पलटवार किया और कई दर्जन टैंक लगभग 90 दिन की जंग में तबाह कर दिए। हमास के लड़ाकों ने सुरंगों से निकलकर उत्तरी गाजा में हमले किए। इसराइल ने लगभग 90 दिन की जंग में हमास के टॉप कमांडर्स को चुन चुन कर मारा है। अब तक 100 के करीब हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से हमास गाजा में पलटवार कर रहा है, उससे साफ हो चुका है कि साल 2024 गाजा के लिए बहुत विनाशक साबित होने जा रहा है।